के अध्यक्ष आशारदा आनंद संभालिए मंच। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले मैं शेर के साथियों की शुरुआत करूंगा। आज जो देश में माहौल है वो माहौल के हिसाब से ये तूफान भी सिमट जाएगा और ये वक्त भी थम जाएगा। समाज में जो तुमने नफरत फैलाई है इसका अंत जरूर जल्द आएगा। इसका अंत 2029 में जरूर आएगा। आज देश का माहौल बहुत खराब है। आज यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली से लेकर बीजेपी की सरकार, इन लोगों का कोई काम नहीं। ये लोग विकास के नाम पे चुनके आए लेकिन इनका विकास से कुछ लेना देना नहीं। ये विकास तो करना ही नहीं इनको। सिर्फ इनके जितने खानदार आमदार है इनकी बात बोली भी है। अगर कोई तुम्हारे पास में विकास की बात करे तो सिर्फ तुम एक बात करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान ईद और दिवाली, बस इनका यही मुद्दे है। बाकी ये विकास से बहुत दूर है। आज यूसुफ चाचा ने जैसा बताया राज्यसभा में 3 तलाक का बिल का, वो तो बिल लोकसभा में पास हो गया था लेकिन लेकिन उस बिल को राज्यसभा में पूरी ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के खासदारों ने मांगे, 126 मत राज्यसभा में गिरे और प्रस्ताव अभी रुक गया है। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट जिस जिस तरीके से यहाँ पर मुसलमान दलित भाइयों को सबको परेशान कर रही है, इसका हल बस यही है। आने वाले 2029 में हमें समझदारी से काम लेना है, सोच समझ के फैसला ये लेना है कि जो बीजेपी हरा सकता है उसे हमें मतदान करना है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा हो जाता है कि हमारे भी मुसलमान भाई कुछ बीजेपी के ले दे के खड़े हो जाते हैं और दूसरी वोट छोड़ देते हैं, क्योंकि बीजेपी को एक बार पक्के मालूम है कि मुसलमान हमें कतई वोट नहीं देगा। भले मुसलमान कोई भी पार्टी को वोट दे देगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। लेकिन हम जिसे वोट देते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस सेकुलर पार्टी छोड़ के, लेकिन हमारा वो वोट भी सीधा बीजेपी की तरफ जाता है, तो हम नहीं चाहते भी अपना वोट बीजेपी को देते हैं। तो मेरे भाइयों हमें बस यही समझदारी से काम लेना है। आने वाले 2029 के चुनाव में लोकसभा हो विधानसभा हो हमें बस समझदारी से काम लेना है। और जो एक अस्त ताकत बैठी भी है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्हें रोकना है। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं लेकिन अपने सांसदों की अपने विधायकों के दिल में जो गंदगी है उन्हें निकालने का काम ये नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहूंगा कि अपने सांसद और अपने आमदारों के दिमाग में जो गंदगी फैला के बैठी हुई है उन्हें निकालिए। देश में स्वच्छ भारत अभियान मत चलेंगे, अपने बीजेपी खेमे में स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे जब ये देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक आप दलित समाज मुसलमान समाज को साथ में नहीं लेकर चलेंगे ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश की ताकत